महिलाएं जाग जाएं तो फिर सोता है कौन? हम राष्ट्र की भावी शान है, इसमें शक करेगा कौन? मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियां, अगर उनको मौका मिलता है, उनमें कैपेसिटी है कि वो एक सजग नागरिक के रूप में एक अपनी भूमिका को निभा सके। हमारे यहाँ लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है शुरू से ही, पर आज जिस तरीके की देश में लड़कियों की परिस्थिति है उसको अगर हम देखेंगे तो ये काफी भयावह परिस्थिति है। NCRB का रिकॉर्ड आप देखें तो जो माइनर लड़कियां हैं उनको किडनैप किया जाता है और फोर्सिबली जो मैरिज की जाती है, बहुत ही चिंताजनक है। सरकारी आंकड़े कहते हैं इस देश में 18 वर्ष से कम महिलाओं के साथ, उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल का आप क्राइम रेट का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको 15% का इंक्रीज मिलेगा, जो कि यह स्थिति स्पष्ट दर्शाता है कि लड़कियां जो हमारे देश में हैं वो बिल्कुल असुरक्षित हैं और हम इसको लेके कोई भी सकारात्मक कदम अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान कहने से कुछ नहीं होगा, उसको पूर्ण रूप से जमीन पर, जमीनी स्तर पर उसको लागू करना चाहिए। राहुल जी, हु हैज बीन वर्किंग फॉर दिस भारत जोड़ो यात्रा, कंसीडर्स एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन टू बी ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आई एम वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम सब एक बड़ी उम्मीद के साथ राहुल जी के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं, आने वाले टाइम में सब ठीक होगा ऐसा हमारा मानना है।